नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शुक्रवार के दिन कई वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने से इस शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बरसने वाली। और इस दिन यदि आप इस शुभ समय पर झाड़ू से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू का वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने यदि झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर, जो हमारे वास्तु शास्त्र में, धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जानते लीजिए कि हर कोई जानता है झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, किंतु हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर, कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, आपके घर की जन्म जन्मांतर की कभी भी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। यदि कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। यदि हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, हमारे घर में गरीबी, दरिद्र आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती है। किंतु यदि आप लोग वास्तु शास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से सदैव के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। वास्तु शास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्यदेव के पश्चात तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। यदि आप सूर्योदय के पश्चात झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि हमारे वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के पश्चात का होता है, किंतु किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो दोपहर से पहले यदि आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी जरूर ही आपके घर पर वास करने आती हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तु शास्त्र, धर्म शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए जिसका यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं
वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है, किंतु कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां होते हैं, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वो पैसा आना बंद हो गया है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ। दोस्तों, यदि आप यह वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कत है, वो सदैव के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर, वह हम आपको बताने जा रहे। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को करके, ये नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दे। देखिए, इस बार को समझ लीजिए कि झाड़ू को घर में रखते हो चाहे में रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को ना आने देना, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखें जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखना तो ठीक है, किंतु बार बार यदि झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का या बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वह आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना गया। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, यह बहुत की ज्यादा अपशगुन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को सदैव लेट आकर के रखना चाहिए। चौथा, शाम वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करनी नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगे। पांचवा नियम यह है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लांघे मत, आपका पांव कभी भी झाड़ू से ना छुए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। हुए झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं, तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव लांघे नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरेगा मत। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम यह कहता है, कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों, माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं इस बात का जरा खास करके आप ध्यान रखिएगा, झाड़ू को यदि आप धो देते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए, कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत खोएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको और पाप लगता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।
झाड़ू को लेकर के अब आपको हम वो नियम बताने जा है कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको नियम बताए उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त की अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे, तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्य उदय होता है तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए, यह बहुत ही शुभ माना गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा नमक दान करके झाड़ू लगाएगा, ये बहुत ही शुभ है। यदि आप सूर्योदय के पश्चात शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा माना गया है यदि आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है। यदि शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। यदि आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और यदि आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा, धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों होता क्या है कि एक बात कही गई है कि यदि आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है, किंतु किस तरीके से बहुत शुभ है ये आप जान लीजिए। यदि आप सपने में देख रहे हैं आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है, मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में या किसी भी जगह है, अब आपको सावधान होना चाहिए, ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50-50 का चांस है। दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि आप सपने में ये देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आएंगे, यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में ये देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो यह उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है उसका समय अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते, यदि आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये उपाय है 5 शुक्रवार का, ये उपाय यदि आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा आपको। करना ये है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब ये आप उपाय करने जा रहे हैं उससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा। तामसिक से मतलब है शराब मदिरा नॉन वेज, इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा वरना आपकी ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना केवल यह है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दबा देनी है और 1 काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले शुक्र के पश्चात दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना, फिर ऐसे लगातार। अब जितने भी शुक्रवार आप इलायची और यह लौंग दबा रहे हैं ऐसा लगातार, आप जितनी भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग को दबाते जा रहे हैं, इसको लाल कपड़े में रख ले जाएं और इसको मोली धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए, उसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बेहतर नदी में बहा दीजिएगा।
दोस्तों, दिवाली तक के पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह खुल जाएंगे। आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे झाड़ू से जुड़े कुछ उपाय जिनको आपको जरूर करना चाहिए ताकि आप भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। साथ ही दोस्तों, अपनी सभी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको इस दिन वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और आरती जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। और एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो अपना काम मन लगाकर करते थे, परंतु आपस में किसी तरह की कोई मदद नहीं करते थे। पूजा पाठ, दया भावना, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ज्यादा कम हो गए। वहां में बुराइयां बढ़ गई थी, शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक की ओर सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेजुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस्मान जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। आंख शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मासी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन समय मैं भी वहां आती हूं। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मां जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, आंख में तुम्हें देखने चली आई। मां जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मां जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मां जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में मां जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मां जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन जरूर आएंगे। तू तो मां लक्ष्मी जी की भक्त है। मां लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। बे अपने भक्तों पर सदैव ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य रखकर मां लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। मां जी ने कहा, बेटी, मां लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि मां जी कहां गई। शीला को तत्काल यह समझते देखना लगी कि मां जी और कोई नहीं, साक्षात ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मां जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को के कहे मुताबिक यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी है, मां
धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना सौभाग्यवती। स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुनारी लड़की को देना जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे। उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाँट सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ